नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराब को लेकर सियासी बवाल हो गया है। एसी आहतों के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अब शराब दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार इस फैसले के पीछे अपने तर्क रख रही है, लेकिन कांग्रेस को यह फैसला फूटी आंख भी नहीं भा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद इसी पर करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में ओवररेट की शिकायतों के बीच सरकार भुगतान सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। अब शराब दुकानों में भी कैशलेस भुगतान की सुविधा मिलेगी। लोग शराब की दुकान के पास QR कोड स्कैन करने से लेकर POS के जरिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। बीजेपी सरकार का दावा है कि शराब दुकानों में कैशलेस भुगतान की सुविधा देकर वो पारदर्शिता लाना चाहती है। ऑनलाइन पेमेंट होने से निर्धारित राशि से अधिक राशि नहीं वसूली जा सकेगी। शराब का विक्रय अधिक व्यवस्थित तरीके से होगा। दरअसल बीजेपी सरकार का तर्क है कि प्रदेश में रोजाना करीब 35 करोड़ की शराब बिकती है। ओवर रेट का सालाना टर्नओवर 500 से 600 करोड़ है। कैशलेस सिस्टम से काली कमाई का जरिया ठप हो जाएगा। अघोषित लूट के शिकार लोगों को इससे राहत मिलेगी। वहीं शराब दुकान से कैश लाने ले जाने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। शराब में ओवर रेट की शिकायतों पर लगाम लगाई जा सकेगी। देखिए, हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। दूसरी ओर शराब दुकानों को कैशलेस करने के फैसले पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि भाजपा की सरकार शराब की आड़ में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेल रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार एयर कंडीशन आहतों को मंजूरी दी जा रही है। शराब का रेट बढ़ा रहे हैं, नई दुकानें खोल रहे हैं। 5 साल खूब चिल्लाए शराब बंदी को लेकर, लेकिन अब बताएं कि शराब बंदी कब होगी और होगी भी कि नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब के आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार आहता को स्वीकृति मंजूरी दे रहे, शराब का रेट बढ़ा रहे, नई दुकानें खोल रहे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि शराब बंदी कब होगी? आप लोगों ने 5 साल मुंह फाड़ फाड़ के, गला फाड़ के चिल्लाए शराब बंदी को लेकर। अब आपकी सरकार है, आप प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं लगातार। हम पूछ रहे हैं कि शराब बंदी कब होगी? ये सरकार को जवाब देना चाहिए, होगी कि नहीं होगी, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। बहरहाल बीजेपी सरकार का मानना है कि कैशलेस सिस्टम से जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं ओवर रेट को रोकने में भी मदद मिलेगी, जिससे बदनाम हो चुके आबकारी विभाग की छवि सुधरेगी। ये अलग बात है कि कैशलेस और एसी आहते के फैसले ने विपक्ष को एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। शारिक रईस खान कांग्रेस प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। परेश बागबाहरा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से परेश बागबाहरा जी, आखिर क्या वजह है कि जो शराब अब तक बहुत गंदी थी, क्राइम रेट बढ़ा रही थी, लोगों के परिवारों के परिवार बर्बाद हो रहे थे, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही थी, और साथ ही साथ बहुत सारी कमियां थी इन 5 सालों में पिछले, मगर हम देखें, लेकिन अब एकदम से ये कमियां गायब हो गई हैं, तर्क बदल गए हैं, बातें बदल गई हैं। अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि राजस्व बढ़ाना है और चूंकि लोग इधर उधर की दारू या फिर कच्ची शराब ना पिए, तो इसलिए साफ स्वच्छ तरीके से शराब का आवंटन किया जा रहा है। इसलिए आहते जो हैं वो खोले जा रहे हैं, एसी वाले दुकानें भी थोड़ी बढ़ाई जा रही हैं और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी दी जा रही है। परेश जी,
देखिए हमारी सरकार शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहती, लेकिन जो इसमें अव्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करके इसमें जो अराजकता का तत्व है और इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना चाहती है और इसको पूरी तरीके से पारदर्शी करना चाहती है। जहां तक इससे पहले की सरकार थी, उसने गंगा जल की कसम खा करके हाथ में लेकर के कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रकार का कोई भी घोषणा पत्र में संकल्प पारित नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस जो ये कह रही है कि ये शराबबंदी कब करेंगे, हम मोदी जी की जो गारंटी है, जितनी भी गारंटी है उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण आप देख रहे हैं महतारी वंदन योजना का 3 किस्त यहां के महतारियों को पहुंच गया, किसानों को 21 क्विंटल के हिसाब से 3100 रुपए के हिसाब से उनको पूरा पैसा एकमुश्त दे दिया गया। इस प्रकार से लगातार मोदी जी की गारंटी। तो परेश जी, आप शराब का समर्थन करते हैं? बीजेपी शराब का समर्थन करती है सरकार में? देखिए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर शराब नहीं बिक रही है? क्या उन्होंने शराब बंद कर दिया? और भी जगहों में जो उनके समर्थन से सरकारें चल रही हैं, क्या वहां पर उन्होंने शराब बंद कर दिया? तो क्या वो शराब के समर्थक हैं? क्या वहां पर क्यों शराब बंद नहीं करते हैं? नहीं तो यहां पर सवाल उठाते हैं, वहां शराब बंद करें फिर अपनी बात को रखें यहां पर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो बात इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, वो ठीक है आपने उस बात को उठाया कि आपने घोषणा पत्र में कहा था शराब बंद करो, लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत सारी कमियां गिनाई थी कि शराब अच्छी नहीं है, क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, लोग एक दूसरे को काटने मारने पर उतारू हो गए हैं, युवा पीढ़ी अलग दिशा में जा रही है, आपने उसकी बहुत सारी कमियां गिनाई थी, वो सच भी थी, हकीकत यही है। आज छत्तीसगढ़ की 35% आबादी जो है कंजप्शन है, और देश में बहुत बड़ा जो छत्तीसगढ़ राज्य का बहुत बड़ा आंकड़ा है कंजप्शन में शराब के, तो आपको नहीं लगता कि चूंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला तो इसलिए आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, जबकि आप 5 साल तक ये कहते रहे कि शराब गंदी चीज है, शराब बेकार है, छत्तीसगढ़ बर्बाद होता जा रहा है पंजाब की तरह, इसे बंद किया जाए। अब नहीं बर्बाद हो रहा है? है इसको व्यवस्थित किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है इसका, और इसमें जो 500 से 600 करोड़ रुपया ब्लैक में जो कांग्रेसी अपने और अफसर उनके चहेते अफसर जो अपने तिजोरी में पैसा ले जाते थे उसको रोका जा रहा है, और जो मोबाइल के माध्यम से उसका पेमेंट होगा और QR सिस्टम से पेमेंट होगा ताकि ओवर रेट में शराब ना बिके। उसी प्रकार आहता का भी ऑप्शन किया जा रहा है, जो आहता जो है लोग जो है उसमें कांग्रेसी और वहां के कुछ बाहुबली लोग और वहां के अफसर और पुलिस वाले जो उसमें दुनिया भर का पैसा कमाते थे वो उसको रोका जा रहा है। उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार के पास आएगा, जो अभी 30% परेश जी, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप आंसर किसी और चीज का दे रहे हैं, बढ़ाया गया है। ठीक है, मैं अब आपके पास लौटूंगा। शारिक रईस जी, जिस तरह से देखें ऑनलाइन पेमेंट का मुद्दा है या फिर आहतों का है, ऑनलाइन पेमेंट से आखिर क्या क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, शराब की बात आप तक वहां तक सही लग रही थी कि भाई शराब की आप कहीं ना कहीं आप बोल रहे थे शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी तो नहीं कर रहे पर कुछ दुकानें बंद कर दीजिए, यहां तक भी समझ में आता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अब आप यही कह रहे हैं कि आखिर ये ऑनलाइन पेमेंट गलत है, वो कैसे, वो तर्क समझ में नहीं आया थोड़ा। ठीक है, मैं खान जी आपके पास लौटूंगा। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से देखें दोनों ही सरकारें, कमाल की बात यह है कि गंगा जल उठाया नहीं उठाया, कई पत्रकारों का मानना है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद थे, कोई गंगा जल इसलिए तो नहीं उठाया गया था, लेकिन फिर भी अगर बात मान लेते हैं शराबबंदी की, उन्होंने चूंकि बात मैनिफेस्टो में डाली थी तो शराब इतनी बुरी थी कि पूरे छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा था, और कमाल की बात है अब जो बीजेपी नेताओं का तर्क है, बोले राजस्व तो वो फ्री में बांट रहे थे 5 साल का, जो उन्हें भी तो राजस्व की जरूरत थी, बड़ा तर्क अलग अलग है, आखिर ऐसा क्यों? जल वाली बात कही जाती है, मैंने कई बार बता दिया है, मैं मौजूद था उसमें कर्जा माफी के लिए गंगा जल उठाया गया,
वो सभी जानते हैं, लेकिन एक जो राजनीतिक दल होते हैं वो अगर किसी मुद्दे को पकड़ लेते हैं तो जल्दी से उसको छोड़ते नहीं है, उसको लगातार चलाते रहते हैं ताकि लोगों के दिमाग में जो नैरेटिव बना हुआ है, ठीक है, वो बना रहे और वो कांग्रेस के खिलाफ जाता रहे। तो अपना एक राजनीतिक रणनीतिक तरीका है उनका। दूसरा चीज जब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक बार नहीं अनेकों बार कह चुका हूँ, सरकारें कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे आपकी हो, चाहे कांग्रेस की हो, शराब बंद नहीं कर सकते हमारे छत्तीसगढ़ में, आप ये ध्यान रखिए। बल्कि शराब एकमात्र ऐसा साधन, बड़ा राजस्व का आय का साधन है, जिसकी वजह से हमारे राजस्व की पूर्ति होती है और बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो खर्च करने के लिए, ये सॉलिड हिस्सा है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। बल्कि इसमें कितना इजाफा हो सके, कैसे इसमें बढ़ाया जा सके राजस्व, उसके प्रयास होते हैं और वही प्रयास जो है वर्तमान सरकार कर रही है। बंद करने की सोच तो ये भी नहीं कर सकती, कांग्रेस भी नहीं कर सकती थी, वो तो उन्होंने गलत बयान किया था, इसका उन्होंने अफसोस भी रहा होगा इंटरनली, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नहीं माना उस बात को। वर्तमान सरकार जो है वो बंद नहीं कर सकती और निश्चित रूप से जो है वो एक नए नए प्रयोग करके कि ऑनलाइन हम कर रहे हैं ताकि इसे पारदर्शिता आएगी, नंबर दो का पैसा कोई नहीं ले सकेगा, और अब हम आहाता खोल रहे हैं ताकि जो अवैध शराब बिक्री का जो आइटम होता था वो बंद हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक ही सोच है कि कितनी माध्यम से परेश भाई बता रहे थे 100 करोड़ रुपए का आया है बढ़ेगी, ये मूल मंत्र के पीछे जो है सारी व्यवस्था की जा रही है। राहत वाली इस बात का कि इसमें कोई अड़चन की बात नहीं है कि देखिए सरकार के लिए बहुत बड़ा राजस्व है ये, और आदिवासी क्षेत्र है हमारा, शराब का क्या महत्व है, शराब को कम भी आप करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा और राजस्व की कमी होगी, इसलिए जो है संतुलन बना करके एक नए नए प्रयोग करके कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम इसमें अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रचार करना जो है सामान्य तरीके से, वो सरकार भी करती थी कि हम घर घर पहुंचा के दे रहे हैं ताकि किसी को कोरोना में तकलीफ ना हो जाए, और भी बहुत सारे प्रयोग उसने भी किए इस थ्रू कर, तो कुल जो है राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया है और ये बताने का कि हम कुछ इसमें कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके सर आपके पास दोबारा से, जो हमारे साथ शारिक रही से आप जुड़ गए हैं, आप तक आवाज आ रही सर, कांग्रेस प्रवक्ता शारिक रही से, ठीक है शारिक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से परेश जी साफ कहा है बाबूलाल शर्मा जी ने कि ये तो सब ढकोसले और बातें हैं, राजनीतिक बातें कि शराबबंदी होगी या हो सकती है, राजस्व बढ़ाने को लेकर ही सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, वो इसी को लेकर पहल करती हैं और वही उसी में नवाचार करने की कोशिश करती हैं। जब पता था कि हमारी सरकार आएगी और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो फिर आखिर हमने 5 साल तक कांग्रेस को घेरा सिर्फ इतने तक कि भाई शराब आपने मैनिफेस्टो में डाला था शराबबंदी होनी चाहिए, वास्तविक पहलू हमें पता थे, जब आप घिरते नजर आ रहे हैं तो आप इसका बचाव कैसे करेंगे कि अब शराब अच्छी चीज कैसे हो गई, अब आप नवाचार करके उसको बढ़ोतरी करके, अब उस कांग्रेस सीधी सी बात है वो यही कहेगी आप चीजों को बढ़ा रहे हैं, आहाते बढ़ा रहे हैं, दुकानें बढ़ा रहे हैं, आप हालांकि राजस्व के इरादे से कर रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं तो घेरे तो है ना सर। परेश जी जी सवाल आपसे क्या पूछ रहे हैं, सवाल आपसे था सर कि अब आप भी तो घिरते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से 5 साल आपने कांग्रेस अभी तो बीच में कुछ और भी चीजें आ रही थी। जी हम बिल्कुल घिरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये जो शराब है ये सामाजिक बुराई है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर शराबबंदी अगर की जाएगी, हमको मालूम है, इसी कारण से हमने घोषणा पत्र में इसको नहीं डाला। जी बात रखें सर, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही, मेरे को तो आवाज आ रही है आपकी। जी सर, आपकी आवाज भी दर्शकों तक पहुंच रही, बात रखें सर। जी परेश जी,
हाँ, तो जहां तक शराबबंदी की बात है, शराबबंदी इसी कारण से हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला, ये सामाजिक बुराई है। हमने रेट इसी कारण बढ़ाया ताकि उस पैसे उस ज्यादा रेट होने के कारण से लोग शराब का कंजम्पशन कम करें। अगर आप शराब बंदी कर देंगे तो यहां पर शराब माफिया जो है, कोचिए जो है, गांव गांव में घुस करके शराब को बेचेंगे और नकली शराब भी बिकेगा, कई लोग मौत के शिकार होंगे। इस कारण से शराब को व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, मान लो उनको शराब पीना है तो वो सही शराब पिए, गलत लोगों के माध्यम से शराब। शारिक भाई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक भाई जी, आप तक आवाज आ रही है? से हमने घोषणा पत्र में भी इसको नहीं रखा। शारिक भाई जी, जी हाँ सर, जो ऑनलाइन पेमेंट का जिक्र किया जा रहा है, इससे आखिर कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? आहतों में या फिर जो शराब की दुकानें हैं उनमें ऑनलाइन पेमेंट को लेकर क्यों बवाल मचा रही कांग्रेस? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस को तकलीफ होने में होने की कोई बात नहीं है। हमारे को तकलीफ जो है, जनता को जो तकलीफ है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में है। कैसे? पास से ये समझ में आता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूरे 5 साल शराबबंदी का ढकोसला करने वाले कांग्रेस को, इसको लेकर घेरने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में भ्रम फैलाने वाले लोग, जैसे ही ये सत्ता में आया तो शराबबंदी तो बहुत दूर की बात, इसके इन्होंने शराब से राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को एसी हाथों में बैठाकर शराब पिलाया जाए, करोड़ों रुपए का इसके टेंडर जारी करके अपने लोगों को उसमें भी खेल करके उपलब्ध करने का खेल चल रहा है। साथ ही शराब की कीमतें भी बढ़ा दी गई, जो भारतीय जनता पार्टी शराब में भ्रष्टाचार का आरोप करती थी। भाई, जो शराब के में अगर भ्रष्टाचार होता तो उस समय तो कीमतें बढ़ी नहीं, और ये एक सुशासन और स्वच्छ और सभी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आप ही साथ शराब की कीमतें बढ़ा दी। तो अच्छा है ना सर, शराब की कीमत बढ़ जाएगी, जहाँ आदमी 4 पीता था वहाँ 3 ही पिएगा सर, बजट थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा नहीं था उसका, तो अच्छी पहल है। निश्चित रूप से शराब एक सामाजिक बुराई है, ये बात सर आपकी सरकार थी, आप भी कहते थे इससे राजस्व का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे बंद नहीं की जा सकती है, ऐसे कैसे बंद कर जाएगी, छत्तीसगढ़ में तहलका मच जाएगा, लोग दूसरी दिशा में चले जाएंगे, तो वही अब बीजेपी भी कह रही है। अब सर कैसे सवाल पूछे, जो आपने कहा वही उत्तर आप दे रहे हैं। दीपक जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि एक सामाजिक बुराई है, लेकिन उसका एक बड़ा शास्त्र शक्ति है कि इसको बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इसका सेवन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक यहाँ पर एक लाइसेंस मिला हुआ और इसके माध्यम से एक बड़ा राजस्व अर्जित होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो द्वितीय नियत थी कि शराबबंदी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, सत्ता में आते के साथ ही उस नीतियों में कोई बदलाव किया नहीं है। जिस तरह से जो जिस बात को लेकर कांग्रेस सरकार को कोसा करती थी, विरोध किया करती थी, उसी आधार पर और उसी पैटर्न से ही लगभग कमोवेश जो इनकी अभी तक शराब से राजस्व करने की नीति थी वो चल रही है। वो तो कह रहे हैं हमने मैनिफेस्टो में डाला ही नहीं, आपने डाला था। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर, मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर जाता था, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, चीख चीख के शराबबंदी की बात था, उनमें महिलाएं और शहरों में महिलाएं और उनकी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज शराबबंदी की बात करना तो दूर की बात। अगर इतना ही वो कांग्रेस क्या चाहती है सर कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाथ ये है कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम न कराया जाए। और जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात करने वाली, इससे पहले भी जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, जिस तरह से सर आप दो तरह की बात, शारिक भाई जी आप दो तरीके की बातें कर रहे हैं, आप ये तो ये कहिए या तो ये भी शराबबंदी की बात कर रहे थे तो ये शराबबंदी करें, अब तो खुल के बोलिए ना, आप ये कह रहे हैं कि नहीं शराबबंदी भी ना करें, चूंकि ये कह रहे थे तो इसलिए मैं सवाल उठाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, ये तो आप खुलकर बोले भाई आप शराबबंदी करो। भाई निश्चित रूप से जब इन्होंने लगातार विरोध से किया था, चाहे वो सड़क पर रहे, चाहे इसके सदन में, आप इस पक्ष में है ना शराबबंदी विधायक थे, उसके बाद में तो उसके बाद अगर उन्होंने इस तरह की बात की थी तो उन्होंने इस दिशा में पहल करना था। हवा तो हमने अपने घोषणा पत्र में उसमें उल्लेखित किया था, लेकिन नहीं, आप इस बात का समर्थन करते हैं शराबबंदी होनी चाहिए? या निश्चित रूप से। तो फिर कांग्रेस वाले राज्यों में शराबबंदी आखिर क्यों नहीं हो रही? देखिए, कांग्रेस वाले राज्य अभी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो आप भी तो समर्थन कर रहे हैं शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो परिप्रेक्ष्य जो छत्तीसगढ़ के संबंध में, मैंने जो बात जो भारतीय जनता पार्टी विरोध की राजनीति कर रही थी, शराबबंदी की बात करके एक सत्ता पे आकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी, अपनी बात पे कायम रहना चाहिए कि जिस
जनता को उसने दिग्भ्रमित किया कांग्रेस की सरकार के द्वारा। कांग्रेस सरकार ने तो इसलिए पहल की थी, हमारी जो कांग्रेस की सरकार ने एक समिति बनाई थी, उस समिति के दल ने दूसरे राज्यों में जाकर जो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो जहाँ पर शराब बंदी वहाँ पर अध्ययन किया था, वहाँ पे क्या इसके दुष्प्रभाव और क्या सकारात्मक चीजें किस तरह से चरणबद्ध ढंग से लागू की जा सकती है, इस बात पे भी उन्होंने एक पहल की थी। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से देखा जाए कि शराब सभी कहते हैं सामाजिक बुराई है, बड़ा एहतियात से कहते हैं कि सामाजिक बुराई है, पर उसके बावजूद भी सामाजिक बुराई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं राजस्व के लिए उसको बहुत आगे तक फॉरवर्ड करते हैं, लोगों की पहुंच से बहुत नजदीक आ जाए, हाथ बढ़ा के आदमी इसको कैश कर सके या ले सके। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप शराब की कीमतों महंगाई में या फिर और चीजों पे जो आप आटा दाल चावल पे अगर आप लगाते हैं टैक्स, वही चीज आप उस पर बढ़ा दीजिए, लोग जहां 3 बोतल पीते थे वहां हो सकता है 2 बोतल पिए। क्योंकि अभी हाल ही में रिसेंटली मैं कुछ अरब के देशों का सुन रहा था, अरब के देशों में कुछ जो लोग थे वो ये कह रहे थे यहां 50 साल हो गई हर चीज के दाम बढ़ गए, चाहे वो सुई हो हर चीज के, लेकिन यहां पर सिर्फ रोटी का दाम जो आज से 50-60 साल पहले था वही आज भी है। वो लोग सिर्फ जो खाने वाली चीजें हैं, रोटी जो जरूरत की चीज है, उस पर आज तक 1 रुपया 1 पैसा नहीं बढ़ाया उन लोगों ने। तो ये खुदगर्जी हमारे अंदर क्यों नहीं है? देखिए राशन की किसी भी चीज पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि राशन गरीबों तक के पहुंच का मामला रहता है और गरीबों के पेट की भूख समाप्त करता है और उसमें किसी प्रकार की महंगाई की स्थिति न बने, इसलिए उसमें कोई भी टैक्स न हो। कोशिश होनी चाहिए कि सस्ता लोगों को उपलब्ध हो सके, एक चीज। दूसरी चीज जो आपने कही है बहुत बड़ी है, देश का कोई भी पदाधिकारी, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी, राष्ट्रपति से लेकर के नीचे तक के जो है जो भी पदाधिकारी है, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सामाजिक बुराई है शराब, बहुत बड़ी बुराई है, इससे देश 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 की स्थिति खराब हो रही है, राज्य की स्थिति खराब हो रही है, परिवारों की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि बुराई, इस बुराई का व्यापार खुद शासन करती है। ये एक तो विडंबना देखिए आप, मुंह से तो सब कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बुराई है, इसको बंद होना चाहिए, और ये कांग्रेस ने बंद नहीं किया, हमने तो कहीं कहा नहीं है, लेकिन इस बुराई का व्यवसाय शासन करती है। जबकि कहा गया है, ये कहा गया है कि जितना कम से कम व्यवसायिक स्थिति में शासन रहे उतना अच्छा होता है। बिल्कुल सही, वो पहले की स्थिति जो है वो दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूँ, ये शासन जो है अच्छी व्यवस्था कर रहा है, माने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहा है कि एसी अहाता खोल रहा है, एयर कंडीशन अहाता, शराबियों को और उत्साहित प्रोत्साहित करने की बात, हताश करने की बात नहीं, और प्रोत्साहित करने के लिए एयर कंडीशन अहाता, आप आइए आराम से बैठ के पीजिए। और उसके बाद देखिए, ठीक है ऑनलाइन पेमेंट का मामला मैं मानता हूँ, और वैसे रखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है वो, लेकिन भीड़ की जो स्थिति वहां रहती है भट्टियों में या ठेके के जगह पे, तो ये ऑनलाइन पेमेंट कैसे व्यवहारिक होगा, ये मुझे थोड़ा सा शंका इसमें है। भीड़ में ऑनलाइन पेमेंट हो, ऑनलाइन पेमेंट जल्दबाजी में कैसे किया जाएगा, कैसे उसको तस्दीक की जाएगी, इसमें मुझे थोड़ी शंका है। ठीक है सर, देखते हैं कि आखिर ये ऑनलाइन पेमेंट और ये जो एसी वाले आते हैं वो कितना मिशन सक्सेस होता है, जो क्राइम रेट का जो हवाला पहले बीजेपी देती थी वो कितना क्राइम इससे कंट्रोल कर पाती है, वाकई में ठंडे आहाते यानी कि एसी वाले आहाते खुलने से क्या वाकई क्राइम रेट या छेड़छाड़ के मामले कम हो जाते हैं क्या? क्योंकि तर्क यही है कि इसके अंदर बैठ के पियेंगे, बाहर जाके नहीं पियेंगे, और बाहर बदतमीजी या लोगों से निकलने से गाली गलौच नहीं करेंगे, इसके पीछे ये मंशा। हालांकि देखते हैं ये मंशा वाकई कितना सफल हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका परेश जी, ईश्वरी जी और बाबूलाल शर्मा जी, आप तीन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक विषय बन गया है शराब, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से नवाचार बीजेपी कर रही है, तर्क ये दे रही है इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी, अब वो कितनी पारदर्शिता है, कितना राजस्व मिलेगा, कितना क्राइम रेट कम होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।